मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास से बिल्कुल लगकर अंबेडकर पाड़ा है और वहां की प्रहार टाइम्स पर खबर हमने आपको दिखाई थी कि लॉकडाउन होने की वजह से इन झोपड़ों में रहने वालों के पास ना ही राशन था और इसके लिए उनके घर का चूल्हा भी करीब 2 से 3 दिन तक नहीं जला था। मगर खबर दिखाए जाने के बाद लोगों के लिए कई लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। सुबह दोपहर शाम में इनके लिए नाश्ता खाना पहुंचाया जा रहा है। शहर के कई लोग हैं जो इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही अंबेडकर पाड़ा की तस्वीरें हैं जब इन्हें राशन पैक करके घर घर जाकर दिया जा रहा है। इसमें चावल, आटा, तेल, बिस्किट, दाल, प्याज, आलू का एक एक पैकेट घर घर जाकर दिया जा रहा है। हालांकि जिन लोगों ने ये राशन बांटा है उन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया है बल्कि कहा है कि इंसानियत की वजह से हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम इनकी मदद करेंगे, इसलिए घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इन्हें राशन दे रहे हैं और आगे भी इनकी मदद करते रहेंगे। और इसी तरह से रसीद कंपाउंड के किसी रहने वाले व्यक्ति ने अंबेडकर पाड़ा में रहने वालों के लिए 2 से 3 डे खाना दोपहर और शाम में भी भेज रहे हैं। बहरहाल अंबेडकर पाड़ा में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें हर तरफ से मदद मिल रही है मगर उन्हें ऐसा लगता था कि शायद अब उन्हें इस लॉकडाउन के दरमियान भूखा ही रहना पड़ेगा। मगर मुमरा शहर में ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ खाना पहुँचा रहे हैं। क्या कुछ कहा है अंबेडकर पाड़ा के रहने वाले लोगों ने हम आपको सुनाते हैं। क्या मिला अभी आप लोगों को यहाँ पे? दाल चावल है, प्याज है, बटाटा है, तेल है और हाँ तेल है और कुछ खारी बटर भी है उसमें। माशाल्लाह जरूरतमंदाना है कि खिचड़ी मिचड़ी बना के इंसान खा सकता। और भी दोपहर में शाम सुबह में कुछ लोग है जो खाना वगैरह यहाँ पर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ला के दिए थे आज बच्चों, बेचारे लोगों ने अल्लाह उनको अच्छा रखे। हम लोग खाए पिए मजे से, अभी रात में भी थोड़ा खाना बटा था हम लोग वो भी खाए। रहा न्यूज़ से जो खबर चला था उसी तरह से सामान, राशन, चावल, दाल, तेल जो कुछ मिला है थोड़ी मदद हुई है। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मिला है बहुत ही अच्छा, उनका शुक्रिया गुजार करते हैं। और थोड़ा बहुत खाना भी आया था दोपहर में, रात में भी मिली मदद हुई थोड़ी बहुत। भाई इसी हम लोग पे ध्यान रखे, ध्यान हम लोग का बहुत बहुत शुक्र होगा हम लोग के लिए। शुक्रिया जो जो हम पर ध्यान के बच्चे उनको और नवाजे, इतनी दुआ दिए और बच्चे हम लोग के काफी सता रहे थे, अभी सब अच्छे से खाना मिल रहा, हर चीज हो रही है। अभी हम लोग को चावल मिला है, दाल मिला है, कांदा मिला है, तेल मिला है और ऐसा जो जरूरत चीजें हैं उसमें से कुछ तो मिले हैं और उसका ऊपर अभी तो हम लोग का गुजारा चल रहा है। कोई कोई खाना बांट रहा है, कोई तेल बांट रहा है, कोई दूध बांट रहा है, ऐसा शक्कर तेल वगैरह ऐसा, मतलब हम लोग का अभी जो भी ज़रूरत था, हम लोग का बच्चों को ज़रूरत था वो सब प्रार न्यूज़ वाले ने जब से ये न्यूज़ दिया है तब से कोई ना कोई आके कुछ ना हेल्प कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से हेल्प हो रहा है, हम लोग का बाल बच्चे अच्छा तरह से खा पी रहा है। हमका यही गुंजारिश है जब तक ये चल रहा है हम लोग पे इसी ध्यान दो तो गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ ना कुछ गरीब लोगों को हेल्प हो जावे। जो लोग लाकर दिए हैं ये सब पहुंचा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा ही आप लोग को ऊपर वाला और कुछ दे और आपको अच्छा मुकाम पे पहुँचाए, यही हम लोग गुंजारिश करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।